गेमो बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गेमो बिटकॉइन चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XLM का गिव अवे और एयरड्रॉप की। दोस्तों अगर आप XLM होल्ड करते हैं और बाइनेंस ने जो गिव अवे अनाउंस किया है, बाइनेंस ने जो स्टेकिंग अनाउंस करी है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो जो भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ उसके एक्शन आपको आज ही लेने पड़ेंगे मैक्सिमम फायदे के लिए। तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए। तो कुछ घंटे पहले दोस्तों बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि स्टेलर नेटवर्क का XLM का स्टेकिंग और 9.5 मिलियन स्टेलर का गिव अवे वो लोग कंडक्ट करेंगे। अब ये सरप्राइज अनाउंसमेंट दोस्तों इसलिए हुई है क्योंकि बाइनेंस अगस्त 2018 से XLM की टीम के रिकमेंडेशंस पे कुछ वॉलेट में कुछ उसने चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से बाइनेंस को स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलने लग गए। बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि उनको इस चीज़ की कोई खबर नहीं थी। स्टार्टिंग अगस्त 31st 2018 से उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पर उन्होंने ये रिसेंटली ही डिटेक्ट किया कि वो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स उनके अकाउंट में बहुत सारे आ चुके हैं, लगभग 775 मिलियन डॉलर वर्थ 9.5 मिलियन XLM कॉइन्स। तो इसके बाद से बाइनेंस ने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि वो स्टेकिंग बाकी जनरल पब्लिक के लिए भी चालू कर देंगे, और जितने भी उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिले हैं अगस्त 31st के बाद से, वो सारे के सारे वो गिव अवे कर देंगे जितने भी यूजर्स बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे XLM को स्टेक करते हैं। तो बाइनेंस पर अगर आपको इस XLM के गिव अवे और स्टेकिंग का फायदा उठाना है तो दोस्तों आपको बस एक काम करना है, XLM अपना डिपॉजिट करना है बाइनेंस पर। अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो पहला स्टेप आप बाइनेंस पे अकाउंट बनाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद अपने XLM कॉइन्स जो भी आपके पास हैं, किसी और एक्सचेंज पे पड़े हैं या फिर वॉलेट में पड़े हैं, उनको आपको बाइनेंस में डिपॉजिट करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी और एक्शन लेना नहीं है, बट इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो एक्शन आप लेंगे वो आज ही ले लें, क्योंकि आज अगर आप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। जितना आप इसको डिले करेंगे उतने कम आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो बाइनेंस पे दोस्तों आपको पता होगा कि नियो गैस नियो होल्डर्स के लिए, ओंटोलॉजी गैस ओंटोलॉजी होल्डर्स के लिए, और VTHO वी चेन होल्डर्स के लिए, बिट टॉरेंट ट्रॉन होल्डर्स के लिए, अगर आप ये सारे टोकन्स बाइनेंस पे होल्ड करते हैं तो आपको मंथली यहाँ पे एयरड्रॉप मिलती होगी बाइनेंस के इन कॉइन्स की। अब इसी लिस्ट में दोस्तों ऐड हो गया XLM भी। अब आगे की डिटेल बताने से पहले दोस्तों अगर आप XLM के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने 3 हफ्ते पहले XLM का एक रिव्यू किया था, ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा गेम ऑफ बिटकॉइंस की कॉइन खजाना सीरीज में, जहाँ पे मैं ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट रिव्यू करता हूँ। तो XLM के बारे में आप और जान सकते हैं इस वीडियो को देख के। अब बाइनेंस पे ये XLM की एयरड्रॉप कैसे काम करेगी दोस्तों, इसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। स्टार्टिंग फ्रॉम 20th जुलाई 2019 बाइनेंस विल बिगिन टेकिंग डेली स्नैपशॉट्स ऑफ यूजर्स XLM बैलेंसेज एट 00 AM UTC टाइम। तो UTC टाइम के हिसाब से रात को 12 बजे जितना भी आप XLM होल्ड कर रहे होंगे अपने बाइनेंस के अकाउंट में दोस्तों, बाइनेंस उसका स्नैपशॉट लेना शुरू कर देगा। तो अगर आपको दोस्तों मैक्सिमम फायदा उठाना है तो आपको इस टाइम से पहले, इस डेट से पहले अपने XLM बाइनेंस में डिपॉजिट करने हैं। अब स्टेकिंग के दोस्तों कोई फिक्स रिवॉर्ड्स नहीं है, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दिया है XLM जनरेटेड बाई ईच यूजर इक्वल टू टोटल XLM स्टेकिंग रिवॉर्ड्स रिसीव्ड बाय बाइनेंस। तो बाइनेंस को जितने अवार्ड्स मिले हैं इनटू यूजर XLM होल्डिंग्स रेशो, तो बाकी के कंपैरिजन में आप कितने XLM होल्ड करते हैं उसका रेशो इनटू जो टोटल रिवॉर्ड्स बाइनेंस को मिले हैं उसके हिसाब से आपको XLM दे दिए जाएंगे। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एटलीस्ट बाइनेंस के अकाउंट में 10 XLM होने चाहिए, यानी कि 10 से नीचे अगर आपके कॉइन्स होंगे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है XLM की जो आपको मिलेंगे वो कैलकुलेट करेंगे दोस्तों ये अपटिल 1st September 2019, यानी कि 20 जुलाई से लेकर 1st September तक लगभग 40 दिन के पीरियड, 43 डेज का जो पीरियड है उसमें ये कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। XLM रिवॉर्ड्स आर कैलकुलेटेड डेली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मंथली, तो जो रिवॉर्ड कैलकुलेशन है वो डेली परफॉर्म होगी, पर मंथ में सिर्फ एक ही बार डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 5th of every month से पहले हो जाएगी, यानी कि हर महीने की 5 तारीख से पहले आपके अकाउंट में XLM के रिवॉर्ड्स आ जाएंगे। अब दोस्तों जो पहली रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो यहाँ पे मेंशन है कि 1st September को वो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो 20 जुलाई से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना पहले आप कर सकते हैं इसको ट्रांसफर उतना पहले कर दीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे दिन आपके रिवॉर्ड्स में दोस्तों ऐड होंगे। अब अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि 1st September 2019 को जो भी रिवॉर्ड दिए जाएंगे XLM के, वो पिछले 10 से 12 महीने के रिवॉर्ड्स क्यूमुलेटिव होंगे, यानी कि आप देख सकते हैं कि बाइनेंस ने जितना भी XLM होल्डिंग से अपना कमाया है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए 10 to 12 months, यानी कि August 31st 2018 से जितने भी रिवॉर्ड्स इकट्ठे हुए हैं बाइनेंस के पास, वो 1 September को सारे यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1st September को दोस्तों एक काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको XLM का मिल सकता है अगर आप बाइनेंस के वॉलेट में अपने XLM ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी तरफ से आपको सिर्फ यही एक्शन लेना है कि बाइनेंस पे अकाउंट बनाना है और बाइनेंस में वॉलेट में अपने XLM ट्रांसफर करने हैं, उसके अलावा आपको दोस्तों और कुछ नहीं करना और सिर्फ होल्ड करके रखना है वहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको XLM कैसे डिपॉजिट करने हैं बाइनेंस में। तो बाइनेंस में जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, डिपॉजिट स्क्रीन पे दोस्तों आप जाएंगे, वॉलेट के अंदर आपको डिपॉजिट में मिलेगा XLM,
XLM आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सारे कॉइन्स दिए हुए हैं। XLM सेलेक्ट करके दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि Binance पे अगर आप कुछ भी डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे मेमो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ अ मेमो एंड एन एड्रेस आर रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली डिपॉजिट योर XLM टू Binance। अगर आप मेमो दोस्तों मिस कर देते हैं तो आपके Binance में क्रेडिट नहीं होंगे XLM कॉइन्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका मिलेगा XLM एड्रेस जिसपे आपको अपने कॉइन्स भेजने हैं, और साथ ही साथ आपको मिलेगा यहाँ पे मेमो। अब मेमो को भी आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके Binance में कॉइन्स क्रेडिट होंगे। तो चाहे आप ब्लॉकचेन से ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किसी वॉलेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे दोस्तों एड्रेस के साथ नीचे मेमो की ऑप्शन भी होगी। तो मेमो में इंश्योर करिए कि जो भी आपका नंबर वहाँ पे जनरेट हुआ है Binance के वॉलेट डिपॉजिट में, वो आप जाके वहाँ पे एंटर करें। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखेंगे तो आपके XLM आराम से अकाउंट में पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड दोस्तों मिलने शुरू हो जाएंगे 1 सितंबर से। तो यही था दोस्तों आज का Binance का XLM का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।